देश में 8 नए प्राइवेट बैंक खुल सकते हैं। आरबीआई को कुल 8 आवेदन मिले हैं। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं देने वाले यूनिवर्सल बैंकों के लिए 4 और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 4 आवेदन मिले हैं। आवेदन करने वालों में देसी विदेशी कंपनियों के साथ साथ व्यक्ति भी शामिल हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आवेदकों में वी सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कालीकट सिटी सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। वहीं यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदकों में यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, द रेप ट्रिटीज कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, पंकज और अन्य ने आवेदन किया है। चैतन्य इंडिया में फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल की बड़ी हिस्सेदारी है। सचिन बंसल ने सितंबर 2019 में चैतन्य में 739 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ऑन टेप का मतलब है कि आरबीआई की ओर से तय गाइडलाइंस को पूरा करने वाली कोई भी इकाई लाइसेंस ले सकती है। इसके तहत अतिरिक्त मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।